हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन है हमारा सातवां। तो सातवां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो हैं अशांत अनावर्ती हों। ठीक है, अशांत हों और अनावर्ती हों। ठीक है, ये हमें लिखना है। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आती जा रही है। ठीक है, और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, मतलब फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 6, 5, 2, किस तरीके से चलती जा रही है वो ही, और रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही है। ठीक है, ऐसी हमको तीन उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, तीन उदाहरण लिखने हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.41411411411, मतलब कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही है ना। हो सकता हो जिस 4111, ये एक पैटर्न बना रही हूँ, पर रिपीट तो नहीं हो रही है ना। मतलब 41 के बाद 41 तो नहीं आ रहा है ना, फिर 41 तो नहीं आ रहा है ना, रिपीट हो रही है ना। और हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 7.08523482, ये भी हमारी हो गई, रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही हैं। फिर यह कुछ भी हम ले सकते हैं 40.78234512, इस तरीके से ये हमारी चलती जा रही हैं। बस हमको उदाहरण ही लिखने थे, लिख दिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। अशांत भी हैं, अनावर्ती भी हैं। ठीक है, अनावर्ती का मतलब बार बार नहीं आ रही हैं। ठीक है, इनका, ठीक है, बार बार नहीं आ रही हैं, और अशांत भी हैं, मतलब चलती जा रही हैं। ये हमारे उदाहरण हो गए। अब हम अपना आठवां क्वेश्चन करते हैं। तो आठवां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो चलिए करते हैं। ये हमारा है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5/7 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 9/11 और 9/11 ये दिया गया है। इनके बीच में हमें कितनी लिखनी है, तीन लिखनी है। तो 5/7 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 5/7 का मान निकाल लेते हैं। तो 7 जो है उसको भाग करना है 5 से। ठीक है, 5 से हमें भाग करना है, 5/7 है ना, तो 7 से भाग करना होगा 5 से, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7×35, 7×6 42, 7×49 भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7×49 एक बचा, फिर 0 लगा दिया, 7×1=7, 3 बचा, फिर हमारा किससे 0 लगाया, 7×6=28, 2 बचा, 0 लगाया, 7×2=14, कितना बचा हमारा, 6 बचा, 0 लगाया, दिख रहा है आपको अभी, हाँ। तो 7×7=56, 56 कर दिया, कितना बचा, 4 बचा, 4 जो बचा है हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 40 हो गया। तो 7×35 क्या बचा, 5 बचा, मतलब 5 से ही शुरू किया था, 5 ही हमारा आ गया। तो मतलब ये जो हमारी संख्या है फिर से हमारी यही चालू हो जाएगी, 7, 1, 4, ठीक है, यही हमारी फिर से चालू हो जाएगी। तो फिर से चालू हो जाएगी मतलब जो हमारा आएगा ये आएगा। तो 5/7 जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5/7 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.714285, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, और ये इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप बार को हटा सकते हैं, इसी चीज़ को आप दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से ही लिख देते हैं। ठीक है, बस जैसा आप बताएं, जल्दी से कमेंट करिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए हम 12 लगा देते हैं। फिर अब हमें 11 से 9 को भाग करना है। क्या करना है? 11 से 9 को भाग करना है, जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, 11 अट्ठे 88, ठीक है, दो बचा, फिर जीरो लगाया, ठीक है, 11 एक कम 11, बचा कितना 9, मतलब 9 से शुरू किया था, 9 ही बच गया, मतलब फिर से हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब हमारा 8-1-8-1 चल रहा है, 8-1-8-1 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9/11 जो है हमारा, 9/11 है, आपको दिख नहीं रहा है, इधर लिखे दे रहे हैं, 9/11 जो है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.81 का बार आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये जो था हमारा आया है, इनके बीच में हमें कितने उदाहरण लिखने हैं, तो इनके बीच में जो हमें उदाहरण लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 3, इनके बीच के 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, तो हमें ये स्टार्ट होता है 7-1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ख़त्म होता है 8-1 पे, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच की जो परिमेय, यहाँ पे हम लिख देंगे 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये हमको लिखनी है, तो लिख देते हैं, 7-1 से स्टार्ट हुआ है तो हम 0.72 ले लेते हैं, 7-2 कुछ भी लिख लेते हैं, 3-4-5 1-2 4-2 आ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको एक और बात बता दें, इसमें यहाँ पे बार है, जिन संख्याओं में हमारा बार होता है वो हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है वो चलती रहती हैं, जैसे कि ये वाली संख्याएं अशांत और अनावर्ती, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, तो हमें बार नहीं लगाना है, अशांत और अनावर्ती संख्याएं लिखनी है, ये हो गई, ठीक है। अब हम दूसरी लिख लेते हैं, 0.78 3-4-2-1-9-5-4 इस तरीके से ये लिख लिया, ठीक है, एक हम 8 के पड़ोस में, मतलब 81 से पहले की लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 5-4-5-6-2-8-7 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जो 3 हो गई हमारी बीच की अशांत, 3 अशांत और अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं, ठीक है, और जो हमारी अशांत और अनावर्ती होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चन हो गया है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, और आपके जो जानने बजाने वाले रिलेटिव जो भी हों आप उनको हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, बस यही समझ लीजिए कि हमारी गुरुदक्षिणा बस इतनी ही है, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।